केसरमा, अब हमें क्या करना चाहिए? अब भी हमें चुप रहना चाहिए? अब भी हमें इज्जत और आबरू का ख्याल रखते हुए अपनी आंखें नीचे करके वीरसा के मरने का इंतजार करना चाहिए? तो क्या करेंगी आप? उनसे अपने पति की जिंदगी की कीमत पूछेंगे, और अगर उसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो जान देकर वो कीमत अदा करेंगे। सत्ता के लालच में अपने ही घर वाले ऐसी हरकतें करते, हमने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। हम उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे जय। कैसे नादानों जैसी बातें कर रही हो शिवांगी? तुम्हें लगता है कि तुम उन पे इल्जाम लगाओगी कि वो तुम्हारे पति की बीमारी का कारण है और वो तुम्हारी बात मानेंगे? उन्हें मानना ही होगा। पागल मत बनो शिवांगी, तुम्हारे ससुराल वाले इतने चालाक है कि वो साफ साफ बोल देंगे कि वो किसी तोहफे या सूबेदार के खत के बारे में नहीं जानते। शिवांगी, ये वक्त उन लोगों से तू तू मैं करने का नहीं है, बल्कि तुम्हारे पति की जान बचाने का है। इस नींबू से हमें ये तो पता चल गया है कि उस डायन आत्मा की जड़ें सज्जनगढ़ में जुड़ी हुई है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उन जड़ों को जाकर काट सकती हो। तुम क्या करे जय, सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप बैठ के तमाशा देखते रहे? नहीं, तुम सिर्फ यहां रहके अपने पति की देखभाल करो, और मैं वहां जाकर उन जड़ों को काटने की कोशिश करूंगा। मैं उस डायन को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा शिवांगी, ये वादा है मेरा तुमसे। तुम जो मेरे लिए कर रहे हो उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये क्या है? अपना वादा पूरा कर रही हूं। पर मेरा काम तो अभी अधूरा है, काम पूरा हो गया तो पैसे भी ले लूंगा। जय, थैंक यू सो मच। मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए कर रहा हूं। मतलब तुम्हारे लिए ये सब करके मुझे तुमसे भी ज्यादा खुशी मिल रही है। चलता हूं। स्टेशन प्लीज। कभी लॉकेट भेजने वाले का नाम नहीं बताया, फिर तुम्हें कैसे पता चला वो लॉकेट सज्जनगढ़ के सूबेदार ने भेजा था? तुम्हारे ससुराल वाले इतने चालाक हैं कि वो साफ साफ बोल देंगे कि वो किसी तोहफे या सूबेदार के खत के बारे में नहीं जानते। मैं यही सोचती रही कि मेरे ससुराल वाले मुझसे दुश्मनी निभा रहे हैं, पर मुझे क्या पता था कि जिस इंसान पे मैंने सबसे ज्यादा विश्वास किया वही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है।
जिस आत्मा को तुमने खुद मेरे पास भेजा, मैं उसी से पीछा छुड़ाने के लिए तुम ही से मिन्नतें करती रही। मैंने बचने के लिए तुम्हारा हाथ थामा और तुमने हाथ खींच के मुझे पूरी तरह डुबो दिया। हाँ, क्योंकि तुमने मेरा हाथ थामा भी था अपनी जरूरत के लिए और हाथ छोड़ा भी था अपनी जरूरत के लिए। दुश्मनी मैंने नहीं, तुमने निभाई थी मुझसे। भरी अदालत में मुझे इल्जाम लगा के, सबके सामने मेरे प्यार का मजाक उड़ा के, मुझे मेरी औकात दिखा के। जेल मुझे 5 सालों के लिए हुई थी शिवांगी, पर सजा मैं आज तक काट रहा हूं। उस दिन वो जज ने तुम्हारी गवाही सुनी, अपना फैसला सुनाया और मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली, और मैंने अपने दिल की गवाही सुनी और तुमसे तुम्हारी हर खुशी छीनने का फैसला कर लिया। तुम्हारे पति की मौत का फैसला तो मैंने सज्जनगढ़ में ही सुना दिया था। यहां तो बस मैं अपने फैसले पर पक्का मोहर लगाने आया था, और वो मैंने उस लॉकेट को पानी में बहाकर कर दिया। तुम्हारी आंखों से बहता एक एक आंसू शिवांगी मेरे दिल को इतना सुकून पहुंचाता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बड़ा मन था मैं भी तुम्हारी आंखों में वही तड़प देखूं जो कभी मेरी आंखों ने महसूस की थी, किसी अपने को खोने की तड़प।